नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले दिन हमने शुरुआत की थी एक टॉपिक का होलिस्टिक ओवरव्यू लेते हुए, जिसमें हमने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है उसको होलिस्टिकली डिस्कस किया था प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी तरह आज हम परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड जो योजना है जो न्यूज में रही है लगातार अक्टूबर माह में भी और अभी भी, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम वो टॉपिक ले रहे हैं जिनके बारे में यूपीएससी पूछ सकता है और जिनके बारे में आने की संभावना है, और ये हम पॉइंट प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। और जहाँ थोड़ा सा मेन पॉइंट होगा हम आपको इंडिकेट कर देंगे, पिन पॉइंट कर देंगे कि आप यह मेंस में भी यूज कर सकते हो। तो आज की हमारी जो योजना है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड योजना, इसको जानने से पहले हम पूरा हॉलिस्टिक व्यू इसका देखेंगे और पूरे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। आपको पता है 2008 में हमने क्लाइमेट चेंज के लिए जो योजना चालू की थी वो था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC। इस NAPCC के तहत एक हमारा मिशन है, वो है नेशनल मिशन ऑन एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। यह जो मिशन है ये इस NAPCC के तहत है। इस NAPCC के तहत टोटल 8 मिशन है, उसमें से एक है नेशनल मिशन ऑन एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। यह मिशन की शुरुआत हुई थी 2012 में। नाम से पता लग रहा है एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता और को और अधिक करने के लिए यह एक राष्ट्रीय मिशन है। इस नेशनल मिशन ऑन एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी के तहत कंपनियों को उनका जो लक्ष्य है ऊर्जा दक्षता के लिए उसको परफॉर्म करने के लिए, और जो उन्होंने लक्ष्य प्राप्त किया है, अगर उन्होंने जो लक्ष्य दिया गया है उससे अधिक ऊर्जा दक्षता की है, ऊर्जा सेविंग की है, तो वो कैसे ट्रेड कर सकें, तो इसके लिए परफॉर्म ट्रेड एंड अचीव जो योजना है वो चालू की गई है 2012 में। इस परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड को परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड PAT, इसको आप सिमिलर मान सकते हो कार्बन क्रेडिट का जो कंसेप्ट है। यह परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड जो है ये 3 फेजेस में चालू हो रही है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 जो है उसका कार्यकाल था 2012 से 15। इस फेज 1 में टोटल 8 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स थे, वो उन पर यह योजना लागू थी। PET2 जो योजना है इसमें 8 के साथ 3 फर्दर सेक्टर और शामिल हो गए, तो इसमें टोटल 11 सेक्टर जो है वो शामिल कर लिए गए। और फेज 3 जो है इसमें इकाइयां शामिल की गई है, 100+ जो इकाइयां हैं वो इसमें सम्मिलित हुई है। यह है फेज 3। तो PET जो हमारी NAPCC के तहत NMEEE के तहत परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, ये जो परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड जो ये योजना है ये संचालित की जा रही है, हमारा एक संस्था है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इस संस्था का आपने नाम सुना होगा, आपने टीवी देखा होगा, फ्रिज देखा होगा जिस पर BEE स्टार रेटिंग है, जो वो स्टार रेटिंग देती है वो यही संस्था देती है। और इस BEE स्टार रेटिंग पर UPSC ने 2016 में क्वेश्चन पूछा था कि किन किन अप्लायंस पर BEE स्टार रेटिंग लगती है। UPSC केवल और केवल आपके थ्योरेटिकल नॉलेज में नहीं बल्कि आपकी सामान्य नॉलेज में भी इंटरेस्टेड है, इस कारण उसने BEE स्टार रेटिंग का क्वेश्चन भी पूछा था। वो संस्था यही जारी करती है। इस BEE की स्थापना जो हुई है वो स्थापना हुई है 2002 में, जैसे हम पॉलिटी में पढ़ते हैं कौन सी संस्था किस कानून के तहत बनी है, या जैसे पर्यावरण में पढ़ते हैं कौन सी संस्था किस कानून के तहत, जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना 1972 कानून के तहत, ऐसे ही ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना जो हुई है उसकी स्थापना हुई है 2001 के एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट से। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट से इस ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना हुई। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी न केवल इस PET योजना का कार्यान्वयन कर रही है बल्कि NMEEE का कार्यान्वयन जो है वो भी BEE के द्वारा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा ही किया जा रहा है। नेक्स्ट, यह जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है यह पावर मंत्रालय के तहत है,
मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत है। और ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एनएम ट्रिपल ई और पेट योजना के अलावा यह इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के लिए बीडब्ल्यू स्टार रेटिंग देती है। इसके अलावा 2016 में एसीज के लिए यह अलग से रेटिंग लेके आई है, इसका नाम है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, यह भी बीडब्ल्यू का है। इसके अलावा बिल्डिंग्स के लिए भी यह कोड देती है, इसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, यह भी इस संस्था के द्वारा दिया जाता है। बिल्डिंग्स के लिए और क्या क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो देती है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, इसके अलावा भी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अलावा भी ग्रीन रेटिंग प्रोग्राम, यूएस का लीड्स प्रोग्राम इत्यादि भी है। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए कौन कौन से तत्व हैं। तो एक लाइन NAPCCC, उसके तहत NMEEE, NMEEE के तहत पैट योजना, और इसी पैट योजना में जो आपने ये परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड किया है, इसके ट्रेडिंग के लिए हाल ही में सितंबर माह में एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफिकेट जारी किए गए। तो इनके ट्रेड के लिए जारी किए गए हैं आपके एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफिकेट, इसको बोलते हैं ई सर्टिफिकेट। यह जो ई सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट जैसे आपका शेयर मार्केट में आपके शेयर ट्रेड होते हैं BSE या NSE में, ऐसे ही एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो ट्रेड होते हैं आपके इंडिया एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड में। और ये जो ट्रेड होते हैं, इनकी ट्रेडिंग केवल मंगलवार को होती है। कब होती है? केवल मंगलवार को। तो इनकी ट्रेडिंग होती है केवल मंगलवार को। जैसे एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, जैसे एक कार्बन क्रेडिट का मतलब 1000 kg CO2 इक्विवेलेंट होता है, वैसे ही एक एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफिकेट है उसका मतलब है 1 ton ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। यहाँ लिख देता हूँ, 1 ESCRT इक्वल्स टू 1 metric ton ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट होता है। और इस तरह के UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है। सो 1 ESCRT इक्वल्स टू 1 metric ton ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। हम इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। NAPCCC यह आया है 2008 में, इसके तहत 8 प्रोग्राम है। NAPCCC जो है इसी के तहत NMEEE है, नेशनल मिशन ऑन एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी। इस NMEEE के तहत है आपकी पेट योजना। पेट योजना के तहत पेट 1, पेट 2 और पेट 3 तीन फेजेस में आई है। इस पेट योजना का और NMEEE का कार्यान्वयन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा किया जा रहा है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा इन दो के अलावा BEE स्टार रेटिंग प्रोग्राम, आपका इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो ACs के लिए और एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड भी जारी किया गया है। ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है पावर मंत्रालय के तहत, और ये जो परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड उसके तहत जो सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं वो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जिसको जारी करता है पावर मंत्रालय। हाल ही में जारी किए गए, इनकी ट्रेडिंग होगी मंगलवार को दो एक्सचेंज में, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। और 1 ESCRT का मतलब है 1 metric ton ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। आज हमने इतना ही पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे इकोनॉमिक सर्वे और ईयरबुक के क्वेश्चंस आ चुके हैं, 100 questions, आप वो सॉल्व कर लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इकोनॉमिक सर्वे के, उसको भी इन लेक्चर्स के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करें। और जल्द ही हम 500+ questions हैं उसके जो आंसर है वो प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, एक त्रुटि हुई है पार्ट वन में, जहाँ पूछा हमने पिक प्रोसीजर किससे संबंधित है, वहाँ जो ऑप्शन है वो ऑप्शन स्टॉकहोम दिया हुआ है, वो स्टॉकहोम नहीं बल्कि रोटरडम है, आप उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। और यदि आपने ईयरबुक पढ़ी है तो आपको वहीं से पता लग जाएगा कि वो रोटरडम है, गलती से वो वहाँ पर ऑप्शन नहीं आया। और किसी त्रुटि हो तो हमें बताते रहिएगा और हमसे कनेक्ट रहिएगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए और स्प्रेड कीजिए। थैंक यू।